दोनों बुक्स लाएंगे। चेक ओके क्या हुआ हाय लेट्स स्टार्ट हेमंत अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू ऑल ओके सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव जॉइंड इन द क्लास फ्रॉम टुडे कुछ भी चल झूठा सच में सिंसियरली बताओ कितने बच्चों ने आज से ज्वाइन किया है तूने आज से ज्वाइन किया है मारू ठीक है ओके सुनो मेरी बात फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल वन टू टू थिंग्स एंड देन वील स्टार्ट विद द टॉपिक थैंक यू सो मच हिमानी थैंक यू नुपुर ओके सुनो मेरी बात क्या हुआ हाँ क्या अच्छा ऐसा कुछ है क्या चलो ठीक है मैं आप लोगों को कुछ एवरीवन जस्ट मेंटेन साइलेंस एंड डोंट टॉक कुछ एक दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो कुछ दिन पहले कुछ बच्चों की बैच शुरू हुई थी और हम लोगों ने एक एक्ट भी कंप्लीट कर लिए विच इज द कंपनीज एक्ट 2013 अब आप सोचोगे मैम हमारे साथ क्या गलत हो रहा है अभी आपने बोला कि आज से नई बैच चालू होगी तो अब हमारा ये जो टॉपिक है वो कैसे कवर होगा सो दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन फ्रॉम टुडे आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग क्लियर कि लॉ में कैसा होता है एवरी एक्ट इज अ डिफरेंट एक्ट आपके पहले वाले एक्ट का दूसरे एक्ट से कोई संबंध नहीं होता है तो अगर इन बच्चों ने कंपनीज एक्ट पढ़ भी लिया है उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ भी नहीं आता है नॉट इवन द ए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत इसीलिए मैंने सीधे बोला सो बेसिकली एबीसीडी का दे डोंट इवन नो द स्टार्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट इज रिटन इन अ कॉन्ट्रैक्ट सो एवरी एक्ट इज अ डिफरेंट एक्ट इनफैक्ट कानून की दुनिया ही अपनी दुनिया होती है हर एक उसमें एक्ट जो होता है उसमें उसका अपना एक अलग अलग प्रोविजन होता है इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट द एक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शंस है वो भी एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है तो कभी अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है अगले दिन कुछ और ही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विच हैज नो रिलेशन विद द टॉपिक दैट वाज टॉट अर्लियर ऑफकोर्स कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एक्ट के अंदर कनेक्टेड होते हैं बट कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा नहीं होता है जैसे मैथ्स और अकाउंट्स में होता है कि 80% प्रॉब्लम सेम है सिर्फ 20% एडजस्टमेंट अलग होगा इनफैक्ट लॉ में इट्स टोटली द अदर वे अराउंड सिर्फ 20% कॉमन होगा 80% हर सेशन इज अ न्यू सेशन तो हर रोज एक नया शो होता है जिसका पिछले शो से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है सो यू नीड नॉट वरी सिर्फ हाँ आपका एक कंसर्न हो सकता है मैम अगर इनका कंपनीज एक्ट हुआ है व्हाट अबाउट अस तो डोंट वरी हम लोग पहले जो कॉमन टॉपिक्स है जो आपके भी नहीं हुए इनके भी नहीं हुए वो हम कंप्लीट करेंगे और बाद में आप लोगों के वो टॉपिक्स कराए जाएंगे जो इन लोगों के ऑलरेडी हमने पहले टॉपिक्स करवा दिए हैं सो दैट्स हाउ द अप्रोच इज गोइंग टू बी एज फार एज द टॉपिक ऑफ लॉ इज कंसर्न्ड तो आपको ऐसे वरी करने की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है और बुक्स के बारे में मैं आगे पीछे आजकल मैं बताती रहूंगी बुक्स कौन सी मिलेगी उसमें क्या क्या होगा मे बी एक्स्ट्रा आपको 10-15 मिनट बिठा के मैं आपको बता दूंगी हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी और जहां तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिविजन टेस्ट की बात रहेगी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ये सारी चीजें क्लास में ही हो जाएगी आप लोगों ने बस जितना हमने हर रोज क्लास में पढ़ाया है उतना रिवाइज करना है हो सके तो आप लोग अगर इसको लिख कर आओगे तो नथिंग लाइक इट मतलब दैट कुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू ऑल कैन गिव योर सेल्फ
है ना, बिकॉज दैट्स गोइंग टू रियली एड लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ. और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम टॉपिक्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम टॉपिक्स का रिविजन भी करते हैं. तो ऐसा नहीं होता एक्ट पढ़ा लिया तो अब टॉपिक खत्म, एक बार पूरा एक्ट रिवाइज होता है और उसके बाद ही हम अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं. तो ऐसा ही अप्रोच होता है. सो मेरे साइड से तो मैं अपना 100% देने वाली हूँ. कुछ एक दो बातें रहेगी जिनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा, उतना अगर आप कर लोगे तो ये सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में रहेगा. जहाँ तक आपसे क्या क्या लाना एक्सपेक्टेड है, आपसे बस एक नोटबुक लाना एक्सपेक्टेड है एंड सम स्टेशनरी लाइक सम स्टिक नोट्स एंड अ मार्कर पेन, बिकॉज माई बुक्स आर मैगजीन मटीरियल टाइप बुक्स. तो नॉर्मल पेन पेंसिल से आप नहीं लिख सकते हो, तो जस्ट गेट अ परमानेंट मार्कर. इफ नॉट उतना भी नहीं करना है तो स्टिक नोट लेके आ जाना, तो स्टिक नोट से आप नॉर्मल पेन से लिख सकते हो और वहां पे आप उसको टेक्स्ट बुक में चिपका सकते हो. ओनली वन थिंग इज एक्सपेक्टेड इज रेगुलरली अटेंड द लेक्चर्स अटेंटिवली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन गिवन इन द क्लास. ठीक है, इससे हम ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं. और आज हम लोग एक नए चैप्टर की, नए एक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. उसके पहले सिर्फ 5 मिनट मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ लॉ एक्ट, और फिर हम इस एक्ट की शुरुआत करेंगे. देखो, कानून का होना क्यों जरूरी है बता सकते हो आप लोग? कानून मतलब लॉ का होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? पहले तो कानून नहीं हुआ करता था, तो अभी क्यों कानून हुआ है? ओके, ठीक है, एक जवाब आया मैम. जैसे जैसे लोग गलत करने लग गए, चालाक होने लग गए, तो चालाक ब्रो, चालाक ब्रो, यू नो लॉ जैसे जैसे, देखो सुनो, बिजनेस जैसे जैसे बनता गया, लोग जैसे जैसे चालाक होते गए, केसेस ऑफ फ्रॉड, धोखेबाजी, दगाबाजी, ये सारी चीज़ें भी आने लग गई. और तब लॉ मेकर को ऐसे लगने लग गया कि नहीं, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस का, रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी का वेलफेयर आखिर हमारे हाथों में, हम गवर्नमेंट हैं. और ऐसे करके गवर्नमेंट जो है कानून बनाना शुरू किया. जैसे कि बहुत जमाने पहले, जैसे वो फ्लिंटस्टोन्स का जमाना हुआ करता था ना, फ्लिंटस्टोन कार्टून देखा आपने? क्या देखते हो आप लोग? मत बोलो मुझे, मत बोलो. ठीक है, वर्चुअल किड्स ध्यान दो यहाँ पे. जैसे डोरेमोन तो आगे के जमाने का है, पता नहीं क्या क्या होता है वहां पे, बट बहुत जमाने पहले देर वर नो व्हीकल्स. व्हीकल्स हुआ करती थी क्या? नहीं. एक जगह से दूसरे जगह पे अगर इंसान को जाना है, ही यूज टू गो वॉकिंग. अब आपने कभी सुना है दो इंसान चलते चलते अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया और एक की मौत हो गई? क्या कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है. टकरा गए अलग बात है, एक्सीडेंट हो गया और एक की मौत हो गया, एक घायल हो गया, आईसीयू में पड़ा है, कोमा में चले गए, ऐसा कभी आपने देखा नहीं? ठीक है, बट देखो बाद में जैसे जैसे व्हीकल्स बनने लग गए, व्हीकल्स, अब सिस्टम होता है व्हीकल का, मोटर्स होते हैं, सिस्टम फेल हो सकता है, मोटर फेल हो सकती है, ब्रेक्स फेल हो सकती है, तो क्या होने लग गया, रोड पे जो एक्सीडेंट्स थे वो इंक्रीज होने लग गए. देखो जैसे जैसे एक्सीडेंट्स इंक्रीज होने लग गए, बेचारा शांत हो गया. सरकार को लगने लग गया कि नहीं, ऐसा कोई कानून बनाना जरूरी है जो एटलीस्ट, बेटा संभालो अपने आपको, एटलीस्ट अगर एक्सीडेंट्स टोटली बंद नहीं तो कम तो करना जरूरी है. ऐसे करके उन्होंने क्या किया, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए. ट्रैफिक लाइट्स, लाइसेंस का होना, लाइसेंस सिर्फ 18 की उम्र के बाद मिलना, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दीज आर द साइंस विच मीन कि आगे जो है वन वे है, आगे जो है नो हॉर्न जोन है, बिकॉज देयर इज अ हॉस्पिटल, देयर इज अ स्कूल, यू टर्न जो है वो इस
डायरेक्शन में है, ये जो है मे बी पार्किंग आज इस दिन पे, उस दिन मतलब अगले दिन पार्किंग इस साइड पे, ये सारे साइंस का मतलब ये सारी चीजें होता है। ऐसे करके हमने सेट ऑफ रूल्स बनाए और यही सेट ऑफ रूल्स जो है हमने पार्लियामेंट में पेश किए, पार्लियामेंट मतलब द लोकसभा एंड द राज्यसभा। एंड वंस दिस सेट ऑफ रूल्स वर पास इन द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, दे बिकेम एन एक्ट। इस एक्ट, यस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आज के जमाने में हम कहते हैं एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट। और जैसे ही मोटर व्हीकल एक्ट आया, इंडिया में एवरी पर्सन जिसको मोटर व्हीकल चलानी थी उसको ये सारे प्रोविजंस को करना पड़ता है फॉलो, उसको ये सारे प्रोविजंस को करना पड़ता है फॉलो। सो बेसिकली जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, उसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए आता है उसका सल्यूशन। देखो जैसे व्हीकल्स आए, डिस्टेंस अब एक बड़ा कंसर्न नहीं था, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करना बिकेम मोर इजियर। और जितना इंसान एक दूसरे के करीब आने लग गया, उतना ज्यादा ट्रेड, उतना ज्यादा कॉमर्स, उतना ज्यादा बिजनेस जो है वो भी बढ़ने लग गया। बट जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस बढ़ने लग गया, वैसे वैसे उससे एसोसिएटेड फ्रॉड, धोखाबाजी वो भी बढ़ने लग गया। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम है, उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि ये अपनी खेती की जमीन बेचेगा और उसके बदले में ये 20 लाख रुपए देगा। अब इससे पैसे तो दे दिए बट ये जमीन नहीं दे रहा है, लोगों के बीच में ये जो विश्वास था वो कम होने लग गया, ये डर लगने लग गया कि अगर मैंने अपना वादा पूरा कर लिया और सामने वाली पार्टी ने अगर वादा पूरा नहीं किया तो अब पैसे भी चले जाएंगे और जमीन भी नहीं मिलेगी, डबल धोखा। तो ऐसे केस में देयर वॉज नोबडी टू प्रोटेक्ट सच पीपल और लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो डिक्लाइन होने लग गया, लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। अब इसी चीज को केटर करने के लिए अब सरकार को लगने लग गया कि हमें अब कानून बनाना जरूरी है। ऐसे करके जब ये प्रॉब्लम आया, हमने सोचा इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना भी कंपलसरी है। और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अब उन्होंने बना दी एक रूल बुक, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, कब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कब करना होता है, अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो क्या सारे एक्शंस, रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है अगेंस्ट द अदर पार्टी, ये सारी चीजें हमने इस रूल बुक में लिख दी। और यही जो रूल बुक है हमने पास कर दी इन द पार्लियामेंट, जिसके बाद एक एक्ट बन गया जिसको आज के जमाने में हम कहते हैं एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और यही से जन्म हुआ हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इनफैक्ट अ मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपके सिलेबस में है। इसके पहले तक आप लोगों को सिर्फ बेसिक सेक्शंस जो थे, द फर्स्ट 75 सेक्शंस वर एप्लीकेबल टू सीए फाउंडेशन किड्स, और बाकी के जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो एक्चुअली पढ़ाए जाते थे इन सीए इंटर। बट अब आप लोगों का न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने इंटर का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस फाउंडेशन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो बेसिकली आपकी अगर हम बात करें, आप लोगों को पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है एप्लीकेबल, बेसिक प्रोविजंस प्लस ऑल द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एज वेल एज एजेंसी। ओके, और अगर हम वेटेज वाइज देखें और कंटेंट वाइज देखें, अप्रोक्सीमेटली 40-45 मार्क्स इज ओनली डेडिकेटेड to one act which is the Indian Contract Act 1872, but jahan pe 100 mein se around 40 se matlab 40-45 marks is dedicated only to one act, uske sath sath aapka agar content wise aap syllabus dekhte ho, ye puri ki puri volume number 1A literally has only the Indian Contract Act, to padhne ke hisab se to 50-50% hai, 50% एक तरफ से एक ही एक्ट,
और दूसरे तरफ से हमारा गरीब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और LLP एक्ट, पूछो ये मत आओ, ये सारी एक्ट्स एक तरफ है और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरी तरफ है. ओके, सो कंटेंट वाइज तो 50% है, बट वेटेज वाइज इट्स लाइक मिनिमम 40 मार्क्स, कैन गो विथ ऑप्शंस अप टू 45 मार्क्स. तो कंटेंट अगर इतना है, आप समझ लेना इतने नंबर ऑफ डेज भी लगने वाले हैं, तो काफी दिन लगते हैं इस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए. ऐसा तो नहीं है चुटकी बजा दी और एक्ट खत्म हो गया, ऐसी कोई जादू की छड़ी मेरे पास तो आज तक आई नहीं है या किसी के पास भी नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दिस एक्ट. आपको अगर लगेगा एक ही एक्ट चल रही है तो बेटा हाँ एक ही एक्ट चलेगी, काफी दिनों तक ये एक्ट चलेगी. बट अगर ये एक्ट हो गया, आप समझ लेना कंटेंट वाइज आपका लो 50% हो गया पढ़ने के हिसाब से. तो डोंट गो बाय द नंबर ऑफ पेजेस, बिकॉज वॉट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज हाउ मच वेटेज यू आर गिविंग, क्योंकि ये मार्क्स का वेटेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. एक लौती एक्ट 100 में से अगर 40 नंबर आपको दे रही है, भाई आपको बहुत इज्जत देना पड़ेगा इस एक्ट को, समझो आप बात को. LLP वही 5 मार्क का है वेटेज, पूरी LLP एक्ट जस्ट 5 मार्क्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली, बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. भले ही एक्ट इज अ वेरी वास्ट एक्ट, आई एम 100% श्योर पूरी एक्ट कंप्लीट होने के बाद आप बोलोगे मैम सबसे इजीएस्ट एक्ट जो है इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फॉर दोज किड्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंट, जिनका आज पहला दिन नहीं है, मैं अगर आपको बोलूं क्या विश्वास करोगे, सबसे डिफिकल्ट आपके सिलेबस में जो एक्ट है दैट्स द कंपनीज एक्ट 2013. एग्जैक्टली, सबसे डिफिकल्ट वो वाली एक्ट है. तो आप समझ लो आपकी नैया तो पार है. अगर आपको कंपनीज एक्ट इजी लगा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप पूछो ही मत. इट्स वेरी 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 इजी, बहुत चिल्लर चिल्लर चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें. हाँ कुछ टॉपिक्स होंगे जो थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, बट ऑफकोर्स यस, आप CA कर रहे हो, कोई BCOM तो नहीं कर रहे आप, तो वो ठीक है, 10 दिन में एक आधा कॉन्सेप्ट होगा जो डिफिकल्ट होगा. तो टेंशन लेने की बात आपने बिल्कुल नहीं है, बस रेगुलरली अटेंड करना है और कोशिश करना है कि सिलेबस जो है ये बैच में मैं शगुन के 108 बार बोलने वाली हूं कि ये टॉपिक्स जो है कोशिश करो क्लास में ही कंप्लीट करो. और ये बोलना जरूरी है क्यों 108 बार, समझो आप, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ खास टाइम है नहीं, आपकी क्लासेस खत्म ही होगी अगस्त मिड में और आपका अटेम्प्ट जो रहेगा सितंबर मिड में रहेगा. एक महीने में 4 सब्जेक्ट, इतना कंटेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. मैं बताती हूँ, एक स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है और एक स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपके बहुत काम की बात है. आप सुनो, आप इसको लाइटली मत लो, एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दिया, पता सबको है बट फॉलो कोई नहीं करता है. बाद में रियलाइज होता है अरे मैम की बात सुन लेते तो अच्छा होता. मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है, यू विल योरसेल्फ रियलाइज. आप समझो एक बच्चा है जिसने पूरी क्लासेस की, देखो उसने क्लासेस की है, उसने होमवर्क भी किया है, अग्रीड अटेंड भी किया है, कुछ बैकलॉग नहीं है, बट क्लासेस करने के बाद जब एक महीने का उसके पास प्रेपरेटरी लीव है, वो क्या कर रहा है, वो लर्न कर रहा है, रिव्यू कर रहा है और फिर वो रिवाइज कर रहा है. और दूसरे साइड पे एक दूसरा बच्चा है जिसने क्लासेस अटेंड की है, होमवर्क भी किया है, दोनों बच्चों ने क्लासेस अटेंड किए, होमवर्क किया. जो बच्चों का बैकलॉग है उनके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रही, वो तो बैकलॉग पे बैकलॉग ही देखते रहेंगे उन 30 दिनों में. बट ये वाला जो बच्चा है उसने लर्निंग क्लास के साथ ही फिनिश कर ली है. आज मैंने 4 सेक्शंस पढ़ा है ना, आप लोगों ने देख लिया है, 4 सेक्शन से तो ज्यादा मैं पढ़ाते ही नहीं, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट. और भले ही मेरा सेशन 1.5 घंटे या 2 घंटे का है, जितना मैंने 1.5 घंटे में पढ़ाया है ना, घर पे जाके वो जो नोट्स हम लिखते हैं उसमें आप 20 मिनट में कर सकते सब कुछ कंप्लीट, दैट्स इट, 20 मिनट्स. तो ये वो एक बच्चा है जिसने क्लास के साथ साथ ही टॉपिक को रीड कर दिया, लर्न भी उसी मोमेंट पे उन 20 मिनट में कर लिया आफ्टर द क्लास गॉट ओवर. ये जो बच्चा है उसने लास्ट एक महीने में लर्निंग नहीं किया, उसने लास्ट एक महीने में रिविजन किया है. ये वो बच्चा है जो एक महीने में लर्न कर रहा है, और ये वो एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है. इसको लर्निंग में ही एक महीना लग जाएगा,
तब तक तो सितंबर में अटेम्प्ट आ जाएगा आप लोगों का। और ये बच्चा रिवाइज कर रहा है, समरी नोट से रिवाइज करेगा, जो उस दिन सर ने बताया था कि एक हाईलाइटेड बुक आप खुद बनाओगे अपने हिसाब से, उससे वो एक क्या 3 बार रिवाइज कर पाएगा पूरे महीने भर में। ये बच्चे ने 1 महीने में सिर्फ लर्न किया है और अटेम्प्ट दिया है। ये बच्चे ने लर्निंग क्लास के दौरान ही कंप्लीट करके 3 बार रिवाइज करके अटेम्प्ट दिया है। आप ही बताओ ये दोनों बच्चे में से प्रोबेबिलिटी पास होने की कौन से बच्चे की ज्यादा है, ये वाला या पहला वाला, दूसरा वाला बच्चा? फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीजन, देखो सर ने जो वेल टेस्टेड मेथड फॉलो किए जिसकी वजह से ही कुड क्लियर सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज नथिंग बट वाज दिस मल्टीपल रिविजन की टैक्टिक्स। अब समझो वो 1 महीना अगर आप लर्निंग में डालते हो और समझने में डालते हो, और वही दूसरा बच्चा वो 1 महीना अगर रिविजन में डालता है, इट्स ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस कि वो बच्चे की पास होने की विद गुड नंबर्स बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये गलती आपने नहीं करनी चाहिए, आपने क्लास के साथ ही लर्न करना चाहिए। आपने क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपके लिए तो टाइम और इंपॉर्टेंट है। पिछले जो बैच के फाउंडेशन के बच्चे थे, चलो उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, मतलब उनकी क्लासेस तो 2.5 महीने पहले खत्म हुई है बिफोर द एग्जामिनेशन। उनका एग्जाम अब जून में है, उसको भी अभी 1 महीना 10 दिन है, 20 जून से एग्जाम चालू हो रही है उनकी। आज हम लोग 10 मई में है, बैच उनकी 2.5 महीने पहले खत्म हुई है बिफोर द एग्जाम्स। कुछ बैकलॉग भी है, कुछ दूसरे इश्यूज भी है, कुछ टॉपिक्स वापस से समझने भी है, सभी चीजों का स्कोप है उनके पास। लर्न करके भी 3 बार रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हैं। बट आप लोग इतने लकी नहीं हो, आप लोगों का अटेम्प्ट प्रीपोन हुआ है, दिसंबर में सोचा था, है सितंबर में। समझ रहे हो आप बात को? आपके पास स्कोप ही नहीं है। अगर आपका कुछ भी बैकलॉग रह जाता है, आप बैकलॉग कब कवर करोगे, समझोगे कब, लर्न कब करोगे और अटेम्प्ट कब दोगे? तो आपके पास तो थोड़ा भी फिसलने का टाइम नहीं है, गिरना तो दूर की बात है। अपने आप को आपको डे 1 से लेकर लास्ट डे तक संभल के रखना है, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाओगे। एंड ऐसा भी नहीं है मैं कुछ रॉकेट साइंस या आइंस्टाइन का बाप होना पड़ेगा ऐसी कुछ बातें बता रही हूं। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा एंड दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, एज सिंपल एज दैट। तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है अपने आप से, थोड़ा बहुत जितना क्लास में हुआ है बस उतना घर पे कर लिया, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल, ताकि आप प्रेपरेटली लीव में लर्निंग पे नहीं और रिविजन पे फोकस करो। और जितनी बार आप रिविजन करोगे उतनी चीजें याद रहेगी, और जितनी चीजें याद रहेगी उतना आप एग्जामिनेशन में लिख पाओगे, और जितना आपने लिखा है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो उतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है कि जितना मैंने क्लास में करवाया है उतना आप घर पे जाके पढ़ लीजिए, ठीक है? तो चलो आपके नोटबुक के एक नए पेज पे आते हो और वहां पे हेडिंग दीजिए, अब की बार फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन पार, इंस्पिरेशन बाय मोदी जी। यॉल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग? हाउ मेनी ऑफ यॉल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग? फर्स्ट टाइम वोटिंग ना, तो आप लोग वोट कर रहे हो? घर जाना पड़ेगा उसके लिए, वो नहीं जा सकता। कैसे, कहाँ के हो तुम? तो तुम जाके आ गए, आज से आए हो तुम? कब गए थे तुम? आ जाइए, हेडिंग दीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कैसे हेडिंग दोगे? सुनो ना, एक तो नए पेज पे आ गए आप लोग, नहीं नहीं न्यू पेज लेना है, कम टू अ फ्रेश न्यू पेज। फ्रेश पेज पे आने के बाद आप
आप लोग एक्ट का नाम लिखोगे, मैं स्क्रीन शुरू कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। और कैसे मैंने एक्ट का नाम लिखा आप देखो, वैसे ही आपको एक्ट का नाम लिखना है। हाँ ये देखो मैंने एक्ट का नाम कैसे लिखा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉमा करके 1872 लिखा है। इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल। Done? बेटा सिर्फ एक्ट का नाम लिखना है, बाकी सब चीजें नहीं लिखनी है, वो तो मैं बताऊंगी ना अभी आपको। What pitch pitch? I told you all clearly, just write down the name of the act. Listen to me carefully. Okay, सुनो मेरी बात। अगर आप देखोगे जिस तरह से मैंने एक्ट का नाम लिखा था, इंडियन का आई कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, तो ऐसा मैंने क्यों लिखा? वो बच्चों को इंप्रेस करने जो आज पहले दिन आए हैं क्लास में, कि चलो हैंडराइटिंग देख के एडमिशन ले लेंगे। देखो ऐसा नहीं होता है। अग्रीड, हर एक वर्ड का पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, बट वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जो पढ़ने जा रहे हैं इज नॉट मैथमेटिक्स और अकाउंट्स, कि चलो कुछ लॉजिक रहेगा और ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू सी, ऐसा कोई कैलकुलेशन लॉ में नहीं होता है। इनफैक्ट कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है, ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। अ पर्टिकुलर वर्ड कुड मीन समथिंग इन अ पर्टिकुलर एक्ट एंड इट कुड मीन टोटली समथिंग डिफरेंट इन अनदर एक्ट। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लेना चाहती हूं, वर्ड है माइनर। अब अगर ये माइनर वर्ड है, माइनर वर्ड को अलग अलग एक्ट्स में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि माइनर वर्ड को इस्तेमाल किया गया है इन द लॉज रिलेटिंग टू से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ICA is इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कहा है वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है जो मेजर है, मतलब जो माइनर नहीं है। और आप मेजर कब होते हो? When you have completed 18 years of age। एक दूसरा कानून है इंडिया में जो मैरिज से रिलेटेड है, इसमें भी कहा गया है कि आप शादी तभी कर सकते हो वंस यू आर अ मेजर, अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड। बट इस कानून में द लॉज रिलेटिंग टू मैरिज कहा गया है आप माइनर 21 की उम्र तक हो, मतलब मेजर आप तभी बनते हो वंस यू हैव कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज। तो चाहे आप लड़का हो या चाहे आप लड़की हो, मैरिज लॉस के हिसाब से आप मेजर 21 साल की उम्र में होते हो। और अभी क्योंकि वोटिंग की सीजन है, वोटिंग का एग्जांपल, अगर हम वोटिंग की बात करें, द लॉज इन इंडिया रिलेटिंग टू वोटिंग भी यही कहता है, ओनली अ मेजर कैन वोट, माइनर्स कैन नॉट वोट। मतलब ये सारे बच्चे थे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया था, वो अभी भी माइनर है।
वो वोट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, वोट करने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? हाँ, फिर फर्क नहीं पड़ता आप लड़के हो या चाहे आप लड़की हो, यू ऑल कैन वोट वंस यू हैव कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। तो अगर आप देखोगे शब्द एक ही है माइनर मेजर, बट अलग अलग कानून में इसी एक वर्ड को क्या अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है? एक ही वर्ड को क्या अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है? आप कंपेयर नहीं कर सकते हो लिटरल सेंस में, डेफिनेशन में कि मैम ओ मैम, सरकार कहना क्या चाहती है? सरकार क्या ये बोल रही है हम देश तो 18 की उम्र में चला पाएंगे बट घर नहीं चला पाएंगे? क्या सरकार का ये कहना है? जी नहीं, यस नहीं, नो। आप लिटरली इन वर्ड्स की डेफिनेशन को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। आप हर कानून को जब ड्राफ्ट करते हो आप उसके पीछे उसका इंटेंशन देखते हो कि कोई कानून को क्यों बनाया गया है, द रीजन, द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राफ्टिंग द लॉ, और इसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से शब्दों को डिफाइन किया गया है। सो द लॉज रिलेटिंग टू मैरिज हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वोटिंग। और इसलिए शब्द भले ही एक है बट अलग अलग कानून में उसको डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके से। कुछ आई बात समझ में हम क्या कह रहे हैं? अरे बोलो ना। अब वही कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं यहां पे देखती हूं द वर्ड एक्ट दैट आई हैव रिटन विद अ कैपिटल ए, आई डिड नॉट राइट इट इन दिस मैनर। स्मॉल ए के साथ लिखा है या कैपिटल ए? ये स्मॉल ए के साथ लिखना लेमैन लैंग्वेज में होता है एक्शन, जो हम कहते हैं ना अपने दोस्तों को हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर, मतलब ऐसी हरकत ही कैसे की तूने। बट यहां पे ये ए जो मैंने लिखा है विद अ कैपिटल ए, क्या मैं हरकत की बात कर रही हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये जो हरकत है? नहीं, यहां पे एक्ट जब मैंने लिखा है विद अ कैपिटल ए, इसका अपना पर्पस होता है, रीजन होता है। और एक्ट विद अ कैपिटल ए तो यहां पे मैं क्रॉस कर रही हूं, इसका मतलब एक्शन नहीं होता है। ये एक्ट विद अ कैपिटल ए इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। आगे आप देखोगे लॉ इज वेरी ब्रॉड, इट हैज एक्ट्स, रूल्स, केस लॉज, बट लॉ का एक हिस्सा जो होता है इज दिस एक्ट विच इज रिटन इन अ कैपिटल ए। सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर लेजिस्लेचर, अ पार्ट ऑफ आर लॉ। हम उसको एक्शन नहीं बोलना चाहते हैं, हम उसको कानून का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर इसका मतलब अलग है, हमने इसको प्रेजेंट करने का तरीका भी अलग बनाया है। वैसे ही एवरी एक्ट में हर शब्द का मतलब होता है। जैसे कंपनी, कंपनी मतलब ऐसे लेमैन लैंग्वेज में मेरे पास आपकी कंपनी है, आपके पास मेरी कंपनी है, बट हम कंपनीज एक्ट में कंपनी मतलब ये वाली कंपनी नहीं बोल रहे हैं। कंपनी मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज एन आर्टिफिशियल पर्सन, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज परपेचुअल सक्सेशन, जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, ओके, एंड इट मे हैव अ कॉमन सी। ये फीचर्स वाली एंटिटी को हम कंपनी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। उसका मतलब किसी का साथ होना वाला कंपनी नहीं है। अरे सुन रहे हो क्या आप? अरे बोलो। तो क्योंकि उसका मतलब अलग है, लिटरली मतलब सच में, हम कंपनीज एक्ट का नाम अगर लिखते हैं ना, हम ऐसे ही लिखते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। दिस वर्ड कंपनीज इज नॉट विथ अ स्मॉल सी, इट्स विथ दिस कैपिटल सी, क्योंकि इसका मतलब उसके रिस्पेक्टिव एक्ट में डिफाइंड है। और वही मतलब आप इस वर्ड के लिए लोगे। कॉमन लेमैन लैंग्वेज में जो कंपनी का मतलब है वो यहां पे मतलब रेलेवेंट नहीं है। वैसे ही अगर आप देखोगे यहां पे ये वर्ड है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक मतलब है जो एक्ट में डिफाइन किया गया है और उसी के हिसाब से आपको इस वर्ड को समझना है. बट आगे मैंने लिखा है 1872 कॉमा देखे. व्हाट इज दिस नंबर? माय लकी नंबर? देन माय फेवरेट नंबर? देन व्हाट इज इट? यस, दिस 1872 इज नथिंग बट इट इज द ईयर इन विच द एक्ट वॉज मेड. इट वॉज पास्ट, इट वॉज मेड. ओके, सो ईयर ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द ईयर 1872 एंड द एग्जैक्ट डेट ऑन विच दिस एक्ट वॉज मेड इज द 1st of September 1872. खैर वो याद रखने की जरूरत नहीं है, डज नॉट रियली मेक अ बिग डिफरेंस. बट यस, ईयर आपको याद रखना जरूरी है कि ये कानून कौन से साल में बनाया है. बोलो 1872. यस नो गाइस? चलो समझते व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. आपने हेडिंग लिखा है एक्ट का, बस इतना ही लिखा है. तो कॉन्ट्रैक्ट की जब आप डेफिनेशन देखते हो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डेफिनेशन कुछ ऐसा कहती है. सुनो डेफिनेशन क्या कहती है. ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आपको पूरा सेशन लग जाएगा आज का, इतने डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. बारिश होने वाली है, गर्मी के मौसम में बारिश. इमोशनल हो रहे बेटा आप. बारिश क्या कह दिया पता नहीं, क्या क्या सोच लिया. ओके सुनो मेरी बात, भाभी जी की याद आ रही है. सुनो मेरी बात, कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है. किस तरह से? दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अरे सुनो ना मेरी बात बेटा, काम करो, चाय लेके आ जाओ मेरे लिए भी और अपने लिए भी. जाओ, खाना ज्यादा हो गया ना, कल से चावल मत खाया करो, रोटी कम लिया करो फिर. जाओ लेके आ जाओ, जाओ तो बेटा. क्या लेते हो आप, चाय कॉफी? तो लेके आ जाओ मेरे लिए भी और अपने लिए भी. उसको भी लेके जाना, सुनना उसको भी लेके जा. जा तो बेटा. नहीं नहीं, कौन ये ब्लू टी शर्ट वाला? हाँ ये, इसका नाम क्या पता नहीं मुझे. क्या अभी पैसे भी दोस्तों से लेगा इसको? आप जाओ तो उनके साथ, फॉलो देम. और किसी के लिए कुछ लाना है क्या? समोसा, वड़ा पाव, सारे ऑर्डर दे दो अभी इसको. अभी तो काला खाके बैठे हो, कुछ तो शर्म करो यार. इतने भूखे लोग आप लोग, कितने भूखे हो आप लोग. एसी कम करना है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ना. बोला उसको, चलो आ जाइए. चलो ठीक है, ओके ओके, आ जाइए आ जाइए. ध्यान दो, क्या रिकॉर्ड कर रहा? तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो? रिकॉर्डर चालू था तुम्हारा? भगवान माला वाचवा. ठीक है सुनो, वर्चुअल किड्स आप लोग इग्नोर करो, ध्यान दो इधर. ठीक है, ओके. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. व्हाट इज इट? इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. बट व्हाट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ? अग्रीमेंट मतलब टू अग्री ऑन अ सर्टेन मैटर. मैं दो, आप लोग बातें नहीं करोगे, कोई भी बातें नहीं करेगा आपके ग्रुप में से, नहीं तो पूरा ग्रुप बाहर जाएगा. दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वार्निंग.
आप सीधा बैठो और तुम भी, तुम दोनों इसके लीड हो, और तुम्हारे साथ साथ पूरा ग्रुप, तुम हंसो मत, सब जाएंगे एक साथ। और ये एक्ट के लिए तुम्हें, मतलब अगर मैंने बोल दिया ना गलती से ये एक्ट के बाद आना, तो भाई 50% क्लास हो गई आपकी। चलो आइए सुनो मेरी बात। What do you mean by the word contract? A contract means an agreement enforceable by law. What is the meaning of the word agreement? What is the meaning of the word enforceability? ये सारी बातें इसी सेशन में हम समझने वाले हैं। पहली बात तो agreement, agree करना means to agree. तो when you are agreeing on a particular point means you are in agreement. तो जैसे कि say for example, अगर मैं कहती हूँ कि क्या आप मेरी ये bottle 150 रुपए में खरीदना चाहते हो, ऐसा मैंने ऑफर दिया, एंड से फॉर एग्जाम्पल आपने इस ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है, अज्यूम करते हैं आपने ऑफर को कर दिया एक्सेप्ट, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स इट एन अग्रीमेंट। ओके, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स इट एन अग्रीमेंट। मैंने ऑफर दिया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वी आर इन अग्रीमेंट विथ ईच अदर, वी आर इन इन अग्रीमेंट विथ ईच अदर। ये खिड़की खुली होगी तो बंद कर देना, प्रोजेक्टर के पीछे वाले, ठीक है। बट अब देखो, सिर्फ अग्री करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, सिर्फ अग्री करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अभी देखो, वैसे भी बारिश जब तक बंद नहीं होगी आपको इधर ही बैठना है, ठीक है, तो तब तक इज्जत से पढ़ लो आप लोग, ठंड लग जाएगी, लेके आके बेटा चिप्स विप्स और क्या लाए, चना चना काम है और कुछ नहीं जो आपने सुना है, ठीक है। हाँ, सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस में बात सीमित नहीं होती है, हम कह रहे अग्रीमेंट तो होना चाहिए, बट अग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ? एनफोर्सेबिलिटी का लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है दैट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कोई चीज का अगर मैंने आपको ऑफर दिया है और आपने उस चीज को अगर एक्सेप्ट किया है, हम दोनों के भी इंटेंशन होने चाहिए दैट वी शुड बी बाउंडेड बाय लॉ, ऐसा अपना इंटेंशन होना चाहिए। अपना इंटेंशन सोशल डोमेस्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए, लीगल इंटेंशन होना चाहिए। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अभी बारिश का मौसम है तो मैं कहती हूँ चलो क्लास के बाद सब लोग चाय और वड़ा पाव खाने जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, मैंने ऑफर दिया, इसी ऑफर को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, बट जैसे ही क्लास खत्म होती मैं तुरंत निकल जाती हूँ बदली गली से, और कल जैसे मैं क्लास में बोलता मैम आई विल सू यू, आपने ऑफर दिया हमने एक्सेप्ट किया, हम गरीबों जैसे वेट करते रहे, मैम आएगी देखो मैम आ जाएगी, और आप आए नहीं, मैम धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा, हम आपको सू करेंगे और कॉम्पेंसेशन डिमांड करेंगे। तो मेरा सवाल है, कैन यू फाइल अ केस अगेंस्ट मी? द आंसर इज नो। व्हाई नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैंने ऐसी चाय वड़ा पाव का आपको ऑफर दिया था, माय इंटेंशन वाज नेवर टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट वाज मोर ऑफ सोशल नेचर कि चलो ये बारिश के मौसम में हम लोग चाय कॉफी जो भी है वड़ा पाव साथ में ले गए, एक दूसरे को जाने गए, वील बिकम मोर फ्रेंड, यू नो मोर ऑफ फ्रेंड्स देन स्टूडेंट एंड टीचर, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। तो मेरा इंटेंशन मोर सोशल नेचर का था एंड नॉट लीगल कि मैं ऑफर दूंगी आप एक्सेप्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अगर यू नो तोड़ा गया तो ऐसे केस में आप केस फाइल करोगे, थैंक यू सो मच, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं था। तो हमारे बीच में जो हुआ है, सुनो मेरी बात, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन ओनली बी रिगार्डेड एज एन अग्रीमेंट, इट कैन ओनली बी रिगार्डेड एज एन वाई अग्रीमेंट, क्योंकि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स थे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देर वॉज नो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, देर वॉज नो
enforceability by law. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो एलिमेंट्स का होना जरूरी है. कौन से दो एलिमेंट्स? अग्रीमेंट एंड टू एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. दोनों चीजों की जब मिलन होता है तभी माना जाता है दैट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसी चीज को हम समझेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स. टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना लिखते हो क्या पहले जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? सॉरी नोटबुक पे. कॉफी पीना पड़ेगा मुझे भी. नोटबुक में भावनाओं को समझो बेटा, शब्दों को नहीं. बहुत आगे जाओगे अगर भावनाएं समझने लग गई तो. इसलिए मैंने बोला कॉफी लेके आ जा. रात में कितने बजे सोया कल? 10 बजे. और कब उठा? 4 बजे उठा, फिर सो गया. मतलब क्या आदमी है क्या? क्या मतलब क्या सोने की हद है? कैसे आदत नहीं लगी? उल्टा हो रहा है इसके साथ. एक बार हो गया लिखकर तो प्लीज बताना वर्चुअल किड्स. हो गया लिखकर? कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो दो एलिमेंट्स है, एक तो है अग्रीमेंट और दूसरा क्या है? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. अग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और एनफोर्सेबिलिटी मतलब इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. बारिश के मौसम में बाइक पे भीगने का मजा अलग आता है. बहुत साल हो गया यार, ऐसा किया नहीं मैंने. जब कॉलेज में थे तब ये सब हरकतें करते थे, अब क्या, अब इज्जत में रहना पड़ता है. कुछ भी नहीं कर सकते जो चाहे वो. अब बच्चों को रुकना पड़ता है, भीग मत बारिश में, बाल गीले हो जाएंगे, सर्दी लग जाएगी. अभी ठीक है? हाँ बोलो. अभी अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है. मैं 3 एग्जांपल्स दूंगी, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है? सो जस्ट वेट. आई ऑल, अगर किसी को डाउट आ रहा है प्लीज अपने आप को रोक लो. हाँ ठीक है, बात कर लो. घर वाले का मैंने बोला, घर वालों का, घर वाले का कर लो, बात कर लो. इधर ही बात करना, बाहर मत जाओ. हाँ ये देखिए. एक दिन क्या हुआ, कटरीना जी ने आपके सलमान भाई को चाय पे बुलाया. ठीक है, कहा कि इतना सुहाना मौसम है, आज शाम आ जाइए. ठीक है, अब सुनो ना, क्या कटरीना ने ऑफर दिया है? ऑफ कोर्स कटरीना ने ऑफर दिया, तो भाई मना कैसे कर सकता है? आपका भाई मना कैसे कर सकता है? इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया सलमान ने. क्या ऑफर को मिला है एक्सेप्टेंस? बट देखो क्या हुआ, हां बोलने के बाद भी सलमान जी जो है चाय पीने नहीं गए. सैड, वेरी सैड. कहा अब तो विक्की से शादी हो गई, अब क्या फायदा.
अब लेट हो गया। सवाल ये उठता है, क्या कटरीना जी और सलमान खान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है? अरे बट इसने ऑफर दिया था, इसने एक्सेप्ट किया है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों? अरे अग्रीमेंट तो है दोनों के बीच में, क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच में एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ नहीं था। जब आप किसी को चाय पे बुलाते हो घर पे, आपका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना नहीं होता है, इट्स मोर सोशल, के लाइक वी आर गुड फ्रेंड्स टाइप, यू नो। तो बेसिकली इसलिए हम चाय पे बुलाते हैं किसी को। सो यहां पर लीगल इंटेंशन ऐसे तो अगर रहा तो किसी को बर्थडे पार्टी पे बुलाया, शादी ब्याह पे बुलाया, सगाई की पार्टी में बुलाया, उसने कहा भी कि हम आएंगे और वो नहीं आता, तो हम तो एक दूसरे के अगेंस्ट इंडिया में केस ही फाइल करते बैठेंगे, ये इसके अगेंस्ट, वो उसके अगेंस्ट, मैंने बुआ के बच्चे की शादी में इनवाइट किया था, मैंने मासी के लड़के की शादी में इनवाइट किया था, दोस्त की शादी थी, बुलाया था आपने, हाँ बोला आप आए नहीं, आई विल सी यू, ऐसे तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट केस पे केस फाइल करते रहेंगे, बट क्या केस मेंटेनेबल है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना नहीं है, बट यहाँ पे इंटेंशन सोशल नेचर का होता है। तो यहाँ पे नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट, बोलो तो। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बोलो तो। व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वैसे ही सेकेंड केस में देखो क्या हुआ, कल आरसीबी की मैच थी ना, देखो जब नहीं जीतना रहता है तभी जीतती है, ठीक है छोड़ो, दोज़ नो, देखो क्या हुआ, विराट और अनुष्का की से फॉर एग्जाम्पल आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस दिन विराट कहता है कि आज शाम को आई विल गेट यू अ डायमंड रिंग, ठीक है। तो जैसे ही विराट ने डायमंड रिंग ऑफर की, अनुष्का इज लाइक क्या बात है, शी इज लाइक ठीक है, तो ऑफर दिया है, क्या यही ऑफर एक्सेप्ट भी हुआ है? बट लाइक एनी अदर हस्बैंड, आज शाम को विराट ने अनुष्का के लिए कोई डायमंड रिंग नहीं लाई है। अब आप बताइए, कैन अनुष्का फाइल अ केस अगेंस्ट विराट? अरे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है तो भी केस फाइल नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज देर इज नो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, आपका इंटेंशन डोमेस्टिक है, लीगल नहीं है, नो एनफोर्सिबिलिटी। तो अब देखो केस नंबर 3 में क्या हुआ है, आमिर और शाहरुख के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, जहां पे आमिर ने बोला है आई विल सेल यू माय कार फॉर 50 लाख रुपीज, आर यू इंटरेस्टेड टू बाय इट? शाहरुख इज लाइक ओके आई विल बाय इट, क्या ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है? और शाहरुख ने गाड़ी ले ली और इसी गाड़ी के बदले में उन्होंने 50 लाख रुपए का चेक भी आमिर को दे दिया है। सवाल यह उठता है, इस केस में आमिर और शाहरुख के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्या ऑफर है? क्या एक्सेप्टेंस है? क्या एनफोर्सिबिलिटी भी है? मतलब हमारा इंटेंशन क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है? हम अगर हमने गाड़ी दे दी है बट शाहरुख ने पैसे नहीं दिए, क्या आमिर केस फाइल करके पैसे लेगा? वैसी द अदर वे अराउंड, अगर शाहरुख ने एडवांस दे दिया बट आमिर ने गाड़ी नहीं दी, क्या शाहरुख आमिर के अगेंस्ट केस फाइल करके गाड़ी लेगा? आर इंटेंशन वॉज टू क्रिएट अ लीगल, इट्स अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, नॉट अ हाउस होल्ड और सोशल ट्रांजेक्शन, इट इज वॉट कमर्शियल ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पे एनफोर्सिबिलिटी है
और अगर एनफोर्सिबिलिटी है, क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा? अरे बोलो ना. सो बताओ, अब बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन गाइस. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. वापस से बताओ तो, एन अग्रीमेंट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? Yes. क्या एनफोर्सेबिलिटी का भी होना जरूरी है? Yes. तभी क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? Yes. अच्छा, नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एनफोर्सेबिलिटी नो. तो जब मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, डू यू वॉन्ट टू परचेज दिस वॉटर बॉटल फॉर 150 रुपए, कुछ बच्चों ने ना बोला, अग्रीमेंट ही नहीं हुआ, मतलब ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला. अगर अग्रीमेंट ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो सवाल ही नहीं उठता. नो अग्रीमेंट नो एंड नो एनफोर्सेबिलिटी. हो सकता है अग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं. बट हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अग्रीमेंट होता ही है? Yes. तो एक सवाल है आपसे, विच वर्ड इज अ ब्रॉडर वाइडर कॉन्सेप्ट, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फील अग्रीमेंट? रेज योर हैंड, फुल हैंड. अग्रीमेंट वाइडर है, ओके. एंड हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फील कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडर? और बाकी सारे लोग बीच के? सो मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर राइट, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडर. व्हाई कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडर? एक काम करो, मैं कुछ नहीं जवाब देती हूं, आप एक काम करो, आपके नोटबुक में ये तीनों एग्जांपल्स लिखो आप, तब तक आप सोचो. ये तीन एग्जांपल्स फटफट लिखो, आपको ड्रॉ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है कटरीना ऑफर 40, सलमान, सलमान एक्सेप्टेड ऑफर बट डिड नॉट गो. फिर नीचे लिखोगे एनफोर्सेबिलिटी क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस. आप ये तीनों एग्जांपल्स लिखो नोटबुक में और तब आप सोचो कौन सा वर्ड वाइडर है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट. और रीजन भी बताना है आपको. अरे 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 अरे, ये जब तक नहीं होगा अपनी क्लास खत्म नहीं होती, ये मैंडेटरी है. नेक्स्ट स्लाइड. बेटा इमोशनल होके कोई ड्राइंग वाइंग नहीं करना है. ये भी लिख लिया विराट अनुष्का. बेटा अभी कब शुरू करना है, कुछ मुहूर्त ढूंढ रहे? स्टार्टिंग से नहीं लिखा है तुमने? कल बता मुझे बुक तेरी. हाँ कल बता ना तेरी बुक, कल लेके आ, उसके बाद ही क्लास चालू होगी. हो गया सेकंड स्लाइड. थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, आज माहौल बनने वाला है. कल मैथ्स की क्लास को छुट्टी है,
I don't know about the new batch kids, but for the old batch, yes. कल छुट्टी है ना? सबको छुट्टी है क्या? सभी को छुट्टी है मैथ्स क्लास के लिए. ओल्ड एज वेल एज न्यू किड्स. लॉ का है ना? मैथ्स की छुट्टी है मतलब क्या? अज्यूम्ड है सभी क्लासेस को छुट्टी है. बेटा जोर से बारिश आएगी तो क्या प्रेस्टीज नहीं टूटने वाला है? बच्चे हो क्या? छोटे छोटे बच्चे हो क्या? आंधी तूफान आ जाए, प्रेस्टीज पॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाए, बम गिर जाए, ये सब सोचते हो? नर्सरी के बच्चे से सोचते हैं स्कूल में बम गिर जाए, बारिश आके तूफान होके स्कूल तबाह हो जाए. आर यू ऑल डन राइटिंग द थर्ड एग्जाम्पल? जल्दी जल्दी लास्ट 30 seconds. जिनका इतना लिख के हो गया है उसके नीचे एक सवाल दो, विच टर्म इज वाइडर? विच टर्म इज वाइडर, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट? Which term is wider? Agreement, contract, contract, agreement, 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 contract. I think I'm getting mixed answers till now. वापिस से बताओ, how many of you all feel agreement is the broader word? बच्चे चेंज कर लिए अपना आंसर? नहीं, आपका पता है मुझे, बट बहुत सारे बच्चों ने अभी हैंड रेस किया. And how many of you all feel contract is a wider term? Abhi I think 50-50 pe aa gaya hai. Pehle it was 20-80, abhi 50-50. So the correct, ye kya hai beta? Bas nachna hi abhi aise aise. Kuch kuch bacche to contract mein bhi hand raise kiya aur agreement mein bhi hand raise kiya hai. Wo dono bhi hai. सुनो मेरी बात. द करेक्ट आंसर इज, सुन लो और क्यों भी सुन लो आप, द ब्रॉडर वर्ड इज अग्रीमेंट. वाई अग्रीमेंट? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सुनो, द वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट तो आपको समझ गया, अग्रीमेंट आंसर है, बट वाई अग्रीमेंट इज मोर ब्रॉडर. बैक वेंचर्स ध्यान दो यहां पे. Every contract is an agreement, but every agreement will not be a contract. Agreement social nature का होता है, domestic nature का होता है, commercial nature का भी होता है. तो superset commercial nature के agreement, social nature के agreement, domestic nature के agreement, सब कुछ agreement में आया है. बट इस अग्रीमेंट में से वही अग्रीमेंट जो कमर्शियल नेचर का है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. सो द ब्रॉडर वर्ड इज अग्रीमेंट, वेर एज द नैरोअर वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट. एक मिनट, मेरे पास अगर इसका पीपीटी होगा आई जस्ट शो इट टू यू. ये देखो, अग्रीमेंट कमर्शियल नेचर की भी हो सकती है, सोशल नेचर की भी हो सकती है और डोमेस्टिक नेचर की भी हो सकती है. ये सब कुछ जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, ये सब कुछ अग्रीमेंट है.
बट वही अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, विल बिकम अ, इसलिए ब्रॉडर वर्ड अग्रीमेंट और नैरोअर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिख दो वहां पे, और ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो आप। पहले आंसर लिखो, अग्रीमेंट इज वाइडर, अग्रीमेंट इज वाइडर एज अग्रीमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस नेचर्स, अग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस नेचर एज अग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस नेचर लाइक लाइक सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, कमर्शियल अग्रीमेंट, लाइक सोशल अग्रीमेंट, कमर्शियल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, बट आगे लिखो बट ओनली कमर्शियल अग्रीमेंट्स, बट ओनली कमर्शियल अग्रीमेंट्स विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? तो अब लास्ट चीज आज के लिए एंड देन झालं। इज अ डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे आप एज होमवर्क, डिस्कस हम करेंगे क्लास में। तो आज का होमवर्क होगा, यू हैव टू लर्न एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। पेज नंबर 2.3, ऊपर के पेजेस हम रीड करने वाले हैं, बट पहले ये डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स जो नए बच्चे, प्लीज उनके साथ शेयर करना आप लोग, शेयरिंग इज केयरिंग। आ जाओ, सो देखो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन विथ ईच अदर। ये इतनी टेक्निकल लैंग्वेज, अभी अभी तक आप उस स्टेज पे आए नहीं हो, बट समझ लेना अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। विच इज वाइडर, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? विच इज नैरोअर टर्म? लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा कहां पे क्रिएट होता है? हाँ, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स, बट यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सोशल डोमेस्टिक में नहीं होता है, कमर्शियल अग्रीमेंट में होता है। और लास्ट, ऑल अग्रीमेंट्स हैव अ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एन अग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। बराबर ना? चार पॉइंटर्स है डिफरेंस के, इसमें किसी को कोई शक या सवाल? यह आपको लर्न करके आपके नोटबुक में लिख के आने होंगे। ये फर्स्ट टू पेजेस रीड कर लेते हैं जो मैंने समझाया है, फिर आप लोग जा सकते हो। नो पिच पिच। द एग्जैक्ट डेट ऑन विच द एक्ट केम इन टू फोर्स एज आई टोल्ड यू इज द 1st of September 1872। दिस होल एक्ट deals with the principles and the rules relating to contract.
इसके दो पार्ट्स है, ये सब क्या ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक सेक्शंस है जो आपके फर्स्ट सिक्स यूनिट्स है, आपके जो यूनिट्स है ना इंडेक्स में आप देखो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, ब्रीच, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये छह जो है इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बेसिक सेक्शंस है, और उसके बाद जो आपको दिख रहा है इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी, ये सेकेंड पार्ट है जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो नया ऐड हुआ है, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी। फर्क नहीं पड़ता है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, क्योंकि आपको दोनों भी पार्ट्स है। पहले के बच्चों को फर्क पड़ता था क्योंकि कुछ फाउंडेशन कुछ इंटर में था, आपको तो पूरी एक्ट है, सब कुछ ही करना है आप लोगों को, चॉइस नहीं है आपके पास। इसी कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पार्टी की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ब्रीच हुआ तो क्या, सारी चीजें दी गई है इन दिस एक्ट। वो तो हम एक्ट ही देखने वाले हैं तो आपको समझ जाएगा एक्ट में क्या क्या लिखा है, तो ये सब मैं नहीं पढ़ रही हूं। आज हम मेन टॉपिक पे जहां से एक्चुअली एक्ट की शुरुआत होती है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो बेसिकली इसमें दो बातें हैं, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये डेफिनेशन है अग्रीमेंट की, बट मैं अब नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि अभी यू आर टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है, प्रोमिस, एसेंट, कंसिडरेशन। थोड़े दिनों बाद हम इस डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। आप इतना समझ लो, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। जैसे आमिर ने अगर गाड़ी दी है, क्या उसको समथिंग इन रिटर्न मिला है? क्या मिला है? पैसा। और अगर शाहरुख ने पैसे दिए, क्या उसको समथिंग इन रिटर्न मिला है? क्या है? कार। तो आप सिर्फ कंसिडरेशन के लिए लिख दो समथिंग इन रिटर्न। ऑफर को एक्सेप्टेंस होना चाहिए और प्लस कंसिडरेशन भी होना चाहिए। आपको हाईलाइट करना है मेरे साथ साथ, हाइलाइटर मार्कर स्टिकी नोट्स में चिंदीगिरी मत करना। कुछ 50-100 रुपए के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना चार महीने। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो अग्रीमेंट तो होना जरूरी है, प्लस इट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, तभी माना जाएगा देयर इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये कुछ एग्जांपल्स है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गाड़ी 2 लाख में बेचने के लिए, ये आमिर और शाहरुख केस है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? पापा ने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 500 रुपए का पॉकेट मनी दूंगा, बाद में पापा ने नहीं दिया, क्या आप पापा के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? पापा बंटवारा, बेघर हो जाओगे आप, 500 रुपए अलावेंस तो छोड़ दो। सो देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हो गया झालं? सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। कुछ डाउट कि हो गया रिजॉल्व? बाय बाय। हाँ नितिन, हाईलाइट करना है।